हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सौरभ। आज मैं लेके आया एक नया टॉपिक जिसका नाम है धूमकेतु। तो दोस्तों, आज है 12 जुलाई और आज से अगस्त तक आसमान में नज़र आएगा हजारों साल में एक बार देखने वाला धूमकेतु न्यू वाइस। इस समय धरती से 200 मिलियन किलोमीटर दूर है न्यू वाइस। 12 जुलाई के बाद इसके दूरी 100 मिलियन किलोमीटर होगी। हजार सालों में एक बार दिखने वाला धूमकेतु न्यू वाइस 12 जुलाई से आसमान पर दिखाई देगा। धरती के उत्तर गोलार्ध में पर रहने वाले लोग इसे देख सकेंगे, यानी भारत के लोग भी न्यू वाइस को देख पाएंगे। मार्च के महीने में नासा के कैमरे में एक अजीब घटना कैद की गई। ये धरती से 200 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित एक धूमकेतु था। काफ़ी दूर होने के चलते ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि कभी ये स्पष्ट दिखेगा भी या नहीं। 5 जुलाई को इसे एरिजोना में देखा गया था। एस्ट्रो फोटोग्राफर क्रिस ने इसकी तस्वीर ली थी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक के सूत्र के अनुसार 22-23 जुलाई को धरती के सबसे नज़दीक होगा ये धूमकेतु। इस समय ये धरती से 200 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन 22-23 जुलाई को इसकी दूरी सिर्फ 100 मिलियन किलोमीटर होगा। हालांकि ये दूरी अभी चांद की दूरी से 200 गुना ज़्यादा होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि आप इस नज़ारे को सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद इस नज़ारे को आप उत्तर पश्चिम दिशा में देख सकेंगे। धूमकेतु का और एक नाम है CY 2020 F3। एवं इसके बारे में और एक रोचक तथ्य ये है कि इसकी दो पूंछ है। तो दोस्तों, धूमकेतु के बारे में अगर बताएं तो धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बना होता है और ये सूर्य को उपवृत्ताकार या वलयाकार पथ में परिभ्रमण करता है। अगर धूमकेतु के बारे में बताएं तो धूमकेतु के तीन मुख्य भाग होता है, नाभि, कोमा एवं पूंछ। दोस्तों, आपको ये बता दें कि न्यू वाइस जो धूमकेतु है, इसके दो पूंछ गैस एवं धूल की बनी हुई है। तो दोस्तों, आप इस आसमान में दिखने वाले अद्भुत नज़ारे को मिस मत करिए। आज से दिखने वाला है ये अद्भुत नज़ारा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।